एक बार चुटकी नाम की छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेकर भागते हुए नजदीक के एक दवाई के दुकान पर गई। वो काफी देर वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि और भी बहुत सारे लोग वहां पर खड़े थे। चुटकी ने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान चुटकी के तरफ नहीं गया। फिर चुटकी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक को वही काउंटर पर जोर से रख दिया। उसके बाद वो दुकानदार और वहां खड़े जितने भी लोग थे सभी उस चुटकी को देखने लगे। फिर उस दुकानदार ने उस चुटकी से पूछा, आपको क्या चाहिए बेटा? तो चुटकी बड़ी भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और न ही वहाँ जो लोग थे उनको समझ आया। सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा, बेटा चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। दुकानदार का जवाब सुनकर चुटकी को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है। फिर चुटकी ने कहा, मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं। आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए? लेकिन मैं यहाँ से आज चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। वही काउंटर पर एक शिवा नाम का आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा, बेटे क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार? तब उसे चुटकी ने अपनी कहानी बताई, अभी कुछ देर पहले मेरे भाई के सर पर बहुत तेज दर्द हुआ तो मेरे पापा मम्मी उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई देर तक मेरा भाई घर नहीं आया तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने देखा कि मम्मी रो रही है और पापा उनसे कह रहे थे कि उसके दवाई के लिए और इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं भी है तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई के दुकान पर आई हूँ। फिर शिवा ने चुटकी से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनकर चुटकी ने अपनी गुल्लक उठाई और वहीं पर तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सारे पैसे उसने अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। ये सुनकर शिवा थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर वो चुटकी बहुत खुश हो गई और कहा, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि शिवा कोई आम आदमी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जर था। उसने सिर्फ 19 रुपए में चुटकी के भाई की सर्जरी करी और कुछ ही दिन बाद उसका भाई ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद शिवा, चुटकी, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा, अब तो बता दीजिए कि आपने ये चमत्कार करा कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी चुटकी के तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, हमारी बेटी चुटकी ने करा है।